यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। अखिलेश ने मिल्कीपुर को लेकर जहां बीजेपी के डरने की बात कही थी, तो वहीं आज भूपेंद्र चौधरी ने उसका जवाब दिया। इमरान मसूद के भड़काऊ बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। यूपी में 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बाकी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। उपचुनाव के लिए एसपी ने एक और प्रत्याशी घोषित किया है। मीरापुर से सुम्बुल राणा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 13 नवंबर को होना है उपचुनाव। अब तक समाजवादी पार्टी 9 सीटों के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को सीट शेयरिंग में गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट मिली है। गाजियाबाद सीट के समीकरण की बात करें तो यहां 2022 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। दलित, ब्राह्मण और ओबीसी वोटर्स यहां निर्णायक फैक्टर साबित होते हैं। कांग्रेस के सामने इस सीट पर बेहद बड़ी चुनौती बीजेपी ही रहेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सीटें गठबंधन में तय की है वो अपने हिसाब से सही की है, और रही बात जीत की बात, तो 9 की 9 सीट पे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे की ताकत बन करके लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हमें सीटों से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि समाजवादी का पार्टी का प्रत्याशी और कांग्रेस का प्रत्याशी जहां भी होगा पूरी ताकत के साथ दोनों पार्टी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने कल बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के तमाम आंतरिक सर्वे में भी ये रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए वहां पर हार के डर से चुनाव टाला गया। अखिलेश के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी हार के डर से घबराई हुई है, इसलिए वो मिल्कीपुर का उपचुनाव रोकने की कोशिश कर रही है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के वकील ने केस वापस लेने का विरोध किया। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं इतने खेल खेलने के बाद, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हताश है और निराश है, और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में चुनाव ना हो इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो इसका प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल माननीय उच्च न्यायालय में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी के वकील और उनके अधिवक्ता महासभा के जिस प्रकार से लोग वकील उपस्थित हुए और उन्होंने इस याचिका का वापसी का विरोध किया, वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हार अपनी सुनिश्चित मानती है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रस्तावित वक्फ कानून का विरोध करते हुए भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा कि अगर कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाए कहाँ जाओगे। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में उन्होंने ये बातें कही। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इमरान मसूद पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद जैसे लोग समाज को बांटने वाले बयान देते हैं। उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए नफरत भरे बयान देकर समाज को बांटने का आरोप लगाया। आपको समझना पड़ेगा कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहाँ जाओगे, कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहाँ बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम भाड़े नहीं होंगे तो कहाँ बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। इमरान मसूद हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, इनका जो दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण में ये कहीं ना कहीं वोट बैंक के रूप में अपनी संभावनाएं देखते हैं, और इन्होंने हमेशा समाज में जाति, भाषा और सांप्रदायिक आधार पर तनाव पैदा करके वोट बैंक प्राप्त करने का काम किया है। हमारी सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ी।
उपचुनाव को लेकर तमाम सियासी दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एसपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनाव प्रचार में बयानों की धार और तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर मंत्री दिनेश प्रताप ने टिप्पणी की है और इस पर सियासी बवाल थम नहीं रहा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गौतमपल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मंत्री से माफी की मांग की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बता दें कि मंत्री दिनेश प्रताप ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर तंज कसा था। उन्होंने पोस्ट किया था कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, जहां लड़ना नहीं पड़े बूढ़ी जो हो गई। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करने के बाद सियासत थम नहीं रही। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि जवाब राजनीतिक होना चाहिए, मैंने राजनीतिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि खुद प्रियंका गांधी ने यूपी आकर कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो अब वायनाड क्यों जा रही है। राजनीतिक व्यक्ति अपने दल की नीतियों के हिसाब से काम करता है तो राजनीतिक व्यक्ति दूसरे दलों को राजनीतिक काम ही करने चाहिए। मैंने तो राजनीतिक टिप्पणी की थी अथवा राजनीतिक सवाल किया था तो राजनीतिक सवाल का जवाब राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ लेना, अनावश्यक